नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। इंदौर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि केंद्र सरकार के पास अधिकार था, उस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया गया, नागरिकता देने से किसने रोका, देना चाहिए था। दिग्विजय ने कहा कि इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इंदौर में नागरिकता कानून लागू किए जाने पर होने वाले सम्मान कार्यक्रम को लेकर दिग्विजय ने कहा कि नड्डा जी को साफ करना चाहिए इसके बाद कि एनआरसी लागू किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि एनआरसी का मतलब यह है कि आप बाप दादा के स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और सारे प्रमाण इकट्ठे करिए। देश में ये सारे प्रमाण कहाँ मिल पाएंगे, इसलिए नड्डा जी को ये प्रमाणित करना होगा कि एनआरसी लागू होगा या नहीं होगा। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रही हिंसा पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंसा के हमेशा खिलाफ हैं और हिंसक घटनाओं को रोकने का हमेशा प्रयास होना चाहिए। प्रदेश में एनआरसी लागू नहीं होने को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एनआरसी लागू करने से इनकार किया है। नहीं, बिल्कुल मिले, हमें कोई एतराज नहीं है। पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार के पास अधिकार था, उस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया गया, नागरिकता देने से रोका किसने था, देना चाहिए था, इस कानून की जरूरत ही नहीं थी। और दूसरी बात, नड्डा जी को ये साफ करना चाहिए कि वो इसके बाद एनआरसी लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनआरसी का मतलब ये है कि आप बाप दादा के बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट और सारे प्रमाण इकट्ठे करिए। आप समझ सकते हैं कि इस देश में ये सारी सुविधाएं और ये सारे प्रमाण पत्र कहाँ मिल पाएंगे किसी को, सर कितनी मुसीबत का सामना किसान लोगों को करना पड़ेगा। और इसमें सभी लोगों को ये प्रमाण पत्र इकट्ठे करने पड़ेंगे, इसलिए उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि एनआरसी लागू होगा कि नहीं होगा। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।